जय जय माता दी मित्रों आज के दुनिया में हर इंसान हर किसी से सिर्फ एक ही चीज चाहता है उसका प्यार या अटेंशन जी हाँ चाहता तो वो यही है लेकिन जो कि वो चाहता है तो उसे देना अनिवार्य है लेकिन वह इस नियम से परे रहता है क्योंकि सृष्टि का नियम है जो आप दोगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा तो अगर आपको मैं इसे आपके प्यार आपके रिलेशन के बारे में समझाऊं तो आप सबसे पहले तो यह समझिए कि आप जिससे प्यार करते हैं या फिर जिसके साथ चाहते हैं अपना रिलेशन तो सबसे पहला चीज़ तो यह है कि उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए क्योंकि यह सार्वभौमिक नियम है और अटल सत्य भी है कि जिसके पीछे आप भागेंगे वह आपसे आगे दूर भागेगा उसे लाने के कुछ नियम है कुछ प्रयोग होते हैं शक्तिशाली प्रयोग होते हैं ऐसा प्रयोग होते हैं कि उसे करने के बाद सही नियम सही तरीकों को करने के बाद वह वस्तु वह चीज वह व्यक्ति जो भी आप चाहते हो जीवन में वह आपके पीछे भागेगा अर्थात आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा तो उसके लिए वैसा कार्य करना पड़ेगा वैसा नियम अपनाना पड़ेगा तभी यह सिद्ध होगा यह प्रेम अर्थात प्यार जिससे आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं जिसके साथ आप हंसी खुशी जीना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए आप अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रयोग कीजिए अटूट नियम होते हैं जिससे कि वह हमेशा हमेशा के लिए आपका होगा ना कि उसके पीछे भागना है उसके सामने गिड़ गिड़ाना है सिर्फ चीजों को ध्यान से समझिए तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे तंत्र विज्ञान मंत्र विज्ञान इसमें इतनी ज्यादा प्रयोग और विधि है लेकिन अगर आप इसमें से कोई एक विधि को भी सही तरीके से कर लिए तो वह एक विधि ही आपके लिए कार्य कर जाएगा यहाँ पे सही तरीके अब सही तरीके का अर्थ यह होता है कि जो नियम के साथ होता है नियम में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अदृश्य रूप से कार्य करती है जैसे कि आपकी भाव आपका विश्वास और आपका समर्पण इन सब चीज़ों का होना अनिवार्य है यह दृश्य रूप में नहीं हो सकता लेकिन यह क्रिया में प्रयोग में बहुत अनिवार्य चीज़ है और इसी के द्वारा ही आप सिद्धि को प्राप्त करते हैं करना क्या है आज का जो महासिद्धि है जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं सबसे पहले तो शनिवार की रात्रि में एक मिट्टी का पुतला बनाना है मिट्टी आप ले लीजिए उसका पुतला बनाइए उसमें काल्पनिक रूप से उसे कल्पना के तौर पर उसे देखिए और उसके कमर में उसका नाम लिखिए और उसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए याद रखिए इस विधि को सिर्फ शनिवार को रात्रि में करना है और सात शनिवार तक करना अनिवार्य है सात शनिवार के अंतर्गत यह गारंटीड है कि आपका योग मतलब यह है कि जो अदृश्य रूप से आपने शक्तियों को जागृत किया है अदृश्य रूप से आपने जो क्रिया को किया है वह अदृश्य शक्ति उसे इस तरह बेचैन कर देगा कि वह खुद आपके पास आएगी आएगा स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी लेकिन यह है जब प्रयोग खत्म हो तो उस पुतले को छिपा कर रख दें मंत्र इस प्रकार है जिसे जाप करना उसे ध्यान से सुनिए मंत्र जाप के लिए काले आसन पे बैठकर उस दिशा की ओर मुख करके बैठे जिस दिशा में उसका घर या फिर वो रहती हो या रहता हो और रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का जाप करें मंत्र है ओम छ्रुम छ्रुम छाम छ बस इतना जाप करना है मित्रों और अगर समझ में नहीं आए तो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जय जय माता